गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम ऐसी ट्रिक सीखने वाले हैं मल्टीप्लिकेशन की जिससे आपका मल्टीप्लिकेशन का टास्क बहुत सिंपल हो जाएगा। तो पहले अंडरस्टैंड करते हैं कि मैं ट्रिक बोलना कौन सी चाह रहा हूँ। सो फॉर एग्जांपल, आपके पास मल्टीप्लिकेशन है 97 × 94, ठीक है, तो इसका आंसर आप ओरली दे सकते हैं, दैट इज 91 18। चलिए एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, वॉट इज दिस एग्जाम्पल, इसको ले लेते हैं 92 × 98 आपने ले लिया, ठीक है। अगर आपको 92 × 98 करना है तो इसका आंसर आपके पास आ जाएगा 98 16, ठीक है। तो आप मुझे बोलेंगे सर इसका आंसर 90 16 कैसा है, तो अब ये ट्रिक आपको मैं बताने वाला हूं कि इन सब क्वेश्चंस को हम कैसे फटाफट मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स अंडरस्टैंड द मेथड को अंडरस्टैंड करेंगे। तो यहां आप लिखेंगे 97 और यहां आप लिखेंगे 94, ठीक है। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये करनी है, आपको देखना है कि 100 में से कितना कम है। तो ये 100 में से कितना कम है, 3, और ये 100 में से कितना कम है, 6, ठीक है। अब देखेंगे, अगर मैं 97 में से 6 सबट्रैक्ट करता हूं तो कितना आता है, 91। अगर मैं 94 में से 3 सबट्रैक्ट करता हूं तो कितना आता है, 91। तो हमेशा जब क्रॉस में हम सबट्रैक्शन करेंगे तो डिफरेंस हमेशा 3 आएगा। तो अगर हम इन दोनों का क्रॉस में डिफरेंस करते हैं तो कितना आता है, 91, करेक्ट। अब देखो, 94 − 3 करोगे तो भी 91 आ जाएगा, 97 − 6 करोगे तो भी 91 आ जाएगा। अब 3 × 6 कितना होगा, 18, तो आपका आंसर आ गया, ठीक है। लेट्स गो फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, 92 और 98। अब इसका डिफरेंस अगर मैं देखूं तो इसका डिफरेंस 100 से कितना है, 8, इसका डिफरेंस 100 से कितना है, 2। अच्छा, अब हम जब हम बात करते हैं डिफरेंस की, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब यह है कि हर एक नंबर को हम 9 से कम करेंगे और लास्ट को 10 से कम करेंगे, ठीक है। तो आप जब भी कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं तो 9 − 9 = 0, 10 − 2 = 8, ठीक है। 9 − 9 = 0, 10 − 2 = 8। मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इसके बाद अगर हम 3 digit numbers, 4 digit numbers की बात करते हैं तो उस केस में डिफरेंस निकालना थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है। तो ये मेथड से आप कर सकते हैं कि सबको 9 से निकालो और लास्ट को 10 से। अब ये देखो, इसका इससे डिफरेंस करेंगे 90 8 2 = 16, तो आपका आंसर आ गया 90 16, ठीक है। नोट करेंगे और इसके ऊपर हम थोड़े बहुत क्वेश्चंस और भी देख लेंगे। चलिए दोस्तों देखते हैं, अब देखते हैं आपके पास क्वेश्चन ऑलरेडी अवेलेबल है 95 × 98, ठीक है। अब देखो इसकी ट्रिक है, 100 में से कितना कम है, 2 कम है, तो 2 × 95 से कम कर दो तो आ जाएगा 93 और 5 × 2 आ जाएगा आपके पास 10, ठीक है। अब नॉर्मल मेथड से अगर आप कोशिश करेंगे करने की तो 100 में से कितना कम है, 5, और 100 में से 2 कम है, 95 − 2 = 93, 5 × 2 = 10, तो आपका आंसर आ गया 93 10। तो इस सवाल को देख लेते हैं, देखो ये कितना कम है, 8 कम है, तो 84 में और 8 कम कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 76। अब 8 × 16 कितना आ जाएगा, 128, तो आपका आंसर आ जाएगा 77 28, सो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब मैंने ये क्वेश्चन क्यों लिया, ताकि आपको दिखे अगर एक आ रहा है तो उसको हमको क्या करना है, ठीक है। लास्ट में अगर आपका मल्टीप्लीकेशन 2 digit number है तो लास्ट में उसके लिए 2 digit की ही जगह होनी चाहिए, अगर तीसरा डिजिट आता है तो उसको हम कैरी में कन्वर्ट कर लेंगे। अच्छा, एक और क्वेश्चन देख लेंगे, 100 में से 98 कितना कम है, 2, तो 77 में से भी 2 कम कर लें आप, तो आ जाएगा आपका आंसर 75। अब 23 × 2 = 46, तो आपका आंसर आ जाएगा 75 46। अब आप मुझसे पूछेंगे सर ये किस किस एग्जाम्स में आप अप्लाई कर सकते हैं, तो ये आप बैंक के किसी भी एग्जाम में यूज कर सकते हैं, अपने प्लेसमेंट में आने वाली कंपनीज के लिए भी एप्टीट्यूड टेस्ट में यूज कर सकते हैं, गेट एग्जामिनेशन में यूज कर सकते हैं, कैट एग्जाम में यूज कर सकते हैं, तो इसके बहुत सारे एप्लीकेशन हैं।